बिहार बीपीएससी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच, जो आपके आगामी 69वीं बीपीएससी में आने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो है मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है। कैल्कोथोलिक युग भी कहा जाता है, तो वो है ताम्रपाषाण युग को। तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा लाल रंग का। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन जो था वो लाल रंग का उपयोग हुआ था। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो वो है आद ऐतिहासिक काल में। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका सही जवाब होगा पक्की ईंट से बनी इमारत जो है वो महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो वो है लोथल। वो हड़प्पा का बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। लोथल, डाबरकोट, कालीबंगा और राखी गढ़ी। तो देखिए, गुजरात में पूछे तो वो है लोथल, और कालीबंगा भी पूछता है वो है राजस्थान में। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है वो है बनवाली में। बनवाली से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का निशान मिला है वो है कालीबंगा। देखिए, 66वीं बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो देखिए, आरडी बनर्जी, केएन दीक्षित, एमएस वत्स, बीए स्मिथ। तो इसका सही जवाब होगा जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं थे वो थे बीएस स्मिथ। बोगज कोई का महत्व इसलिए था कि। तो इसका सही जवाब होगा वहाँ की अभिलेख प्राप्त हुए थे और उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो वो है पुरुषनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो वो है नौवां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा सोम को, सोम देवता का। देखिए, इससे प्रीवियस पहला जो क्वेश्चन भी था वो भी पूछा था कि सोम किसके लिए समर्पित है, तो वहाँ था नौवां मंडल, और यहाँ पर पूछ दिया कि नौवां मंडल किसके लिए समर्पित है, तो वो है सोम और इसके पेपर नामकृत देवता। गायत्री मंत्र
किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद में मिलता है और इसकी रचना जो है विश्वामित्र किए हैं और ये ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो है वैशेषिक। वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 42वें 47वें 53 से 55वें बीपीएससी में आ चुका है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो है कुंडग्राम में। महावीर स्वामी के जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुआ था? तो वो है पावापुरी। 527 ईस्वी में 72 वर्ष के आयु में राजगिरि के समीप पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो वो थे इनके अपने दामाद जमाली। महावीर के दामाद जमाली हुए जो और इनकी पत्नी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी भी था। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है वो सबसे प्राचीन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो वो है सारनाथ में। सारनाथ में सबसे पहला धर्म चक्र प्रवर्तन दिया था। और सबसे अधिक पूछे तो वो होगा श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो वो होगा कुशीनगर में। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो इसका सही जवाब होगा बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा जैन धर्म से त्रिरत्न या तीन रत्न संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा आत्मदमन। आत्मदमन जो है वो समान नहीं है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो वो है पंचम पीढ़ी का। 27वां प्रश्न है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया था? तो वो है आजीवकों ने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मखली पुत्र गोसाल। परम में महावीर के शिष्य थे, किंतु मतभेद के बाद वह महावीर के शिष्यता कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो वो थे
उदीन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया था? तो इसका सही जवाब होगा उदीन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो है उदीन ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो है लिच्छवी के द्वारा वैशाली को स्थापित किया गया था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो वो है राजगिरी या गिरिब्रिज। नेक्स्ट है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो इसका जो सही जवाब होगा हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। सिंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो वो हैं विलियम जोन्स। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सिंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो वो है जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था। मेगास्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? तो वो था इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन था। इंडिका के लेखक कौन था? तो वो था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज किसका दूत था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर का दूत था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो वो था बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ वर्णित है? तो वो है जूनागढ़ अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ वर्णन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा खारवेल का। नेक्स्ट है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो वो है चेदी वंश से। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत के नेपोलियन भी कहा जाता है। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को वीरता एवं विजयों से मुग्ध होकर उसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी थी। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया कौन थे? तो वो थे स्कंद गुप्त। किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता था? इसका सही जवाब होगा बिना जोती गई जंगली भूमि को। चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 515 से 520 ईस्वी के बीच।
हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो थे हेन सांग। हेन सांग जो हैं वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कलहन का पुस्तक का क्या नाम है, कलहन की पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है राज तरंगनी। राज तरंगनी में कश्मीर के इतिहास लिखा गया है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित था? तो वो है बिहार राज्य में। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इससे सभी कोई अपना तैयारी कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।